हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मुझे पर्सनली लाइक करते हो, यू कैन फॉलो मी इन फेसबुक एंड इंस्टा। सारे लिंक स्क्रीन पे शो हो रहे हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो ज्यादा बकबक ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का वीडियो है 7 दिन में टैन रिमूव करना है हम लोगों को। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी टोमेटो और मैं दिखाऊंगी दो रेसिपी। यहाँ पे दो DIY मैं दिखाने वाली हूँ, जो आपको पसंद लगेगा वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 7 डेज आपको लगातार करना है और उसके बाद आपको एक टैन फ्री फेस एंड बॉडी मिल जाएगा। तो ज्यादा इधर उधर के बातें ना करके लेट्स सी कैसे बनाते हैं ये DIY। सबसे पहले ले लेंगे 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर, जो एज ए एक्सफोलिएट यूज होगा। उसके बाद ले लेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। लेमन जूस में सिट्रिक एसिड एंड विटामिन सी है, जो एक स्किन लाइटनिंग एजेंट हिसाब से काम करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा और ले रही हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा कम हो गया था। एंड इसको अच्छे से मिला लो, एक पेस्ट बना लो, ना कि एक मास्क बनाना है। इसका कंसिस्टेंसी ऐसा होना चाहिए। और आपको चाहिए 1/4 स्लाइस टोमेटो। अभी हम लोग दिखाएंगे हाउ टू अप्लाई, और आप चेक कर लो, ये ऐसे पेस्ट की तरह बनेगा, जो मास्क की तरह नहीं यूज़ हो सकता है। एक टमाटो लीजिए, उसको इसमें डिप कीजिए, जो हम लोगों ने पेस्ट बनाया है वो टमाटो के ऊपर आ जाए। आप अपने हाथ से भी इसको डाल सकते हो टमाटो के ऊपर। एंड अच्छे से अभी इस टमाटो को गालों पे, फोरहेड पे, नेक पे, जहाँ जहाँ आपको टैन है वहाँ पे अच्छे से रब करना है। एंड मैं अपने नाखून के हेल्प से थोड़ा सा टोमेटो के अंदर का जूस निकाल रही हूँ। थोड़ा देर यूज़ करने के बाद बाद आपको भी ऐसे करना है, इसको जूस को निकालना है, क्योंकि टोमेटो के जूस में विटामिन A, B, पोटेशियम, मैग्नीशियम होता है, विच हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लैक स्किन सेल्स एंड इंक्रीजेज वाइट स्किन सेल्स, जिसके वजह से स्किन ग्लो करता है एंड स्किन के pH लेवल को भी बैलेंस करता है। फेस को रब नहीं करना है और धो लेना है। फर्स्ट वाला DIY यूज करने के बाद आप भी एक बार ये ट्राई करो, आप पहले वर्ष में ही एक फर्क देख पाओगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे टोमेटो यूज कर रहे हैं और लेमन जूस यूज कर रहे हैं, दोनों के अंदर ही विटामिन सी भर भर के है, जो आपको एक ग्लोइंग इफेक्ट देने में बहुत काम करता है एंड ब्लैक स्किन सेल्स को घटाने में भी बहुत हेल्प करता है। हम लोगों को इंस्टेंटली एक ग्लो स्किन देखने को मिलता है। टोमेटो में विटामिन A, B, C एंड पोटेशियम, मैग्नीशियम रहता है, जो आपका स्किन को भी फूड देता है, जिससे आपका स्किन ग्लो दिखे एंड टैन भी रिमूव हो जाए। तो देख लेते हैं सेकंड वाला DIY। हम लोगों को चाहिए 1 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट और टोमेटो जूस, और चाहिए योगर्ट। आपको 1 टेबलस्पून योगर्ट टोमेटो पेस्ट के अंदर डालना है, और चाहिए 1 टेबलस्पून लेमन जूस। आप लेमन जूस कम भी डाल सकते हो, क्योंकि एक्सेसिव लेमन जूस स्किन इरिटेशन और ड्राइनेस का कारण बन सकता है। अभी हम लोग 1 विटामिन E कैप्सूल डाल लेंगे इसके अंदर। विटामिन ई स्किन को मॉइस्चर करता है, सनबर्न को कम करने में हेल्प करता है और स्किन को नरिश भी करता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला के एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। अभी ये पेस्ट रेडी हो गया है, अभी देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है। मैं एक ब्रश के हेल्प से पूरे फेस में मैं ये पेस्ट लगा लूँगी। हम लोग यहाँ पे योगर्ट यूज़ किए हैं, क्योंकि योगर्ट स्किन को मॉइस्चर देता है, ब्राइट करता है एंड ये अनइवन स्किन टोन को भी इवन करने में हेल्प करता है। योगर्ट के अंदर लैक्टिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो डेड स्किन सेल को डिजॉल्व करता है। इसको 15 से 20 मिनट रख के धो लेना है। तो हाय फ्रेंड्स, मैं अपना मुंह धो के आ गई हूँ, तो आपको दिखेगा एक अच्छा सा ग्लो आ रहा है। और आपको मुंह धोने के बाद मॉइस्चराइज करना है। मैंने अपना फेस सीरम एंड मॉइस्चराइजर लगा लिया है, आपको भी करना है। एंड सेकेंड वाला मास्क यूज करने के बाद आप फेस वॉश से मुंह धो लेना, क्योंकि योगर्ट थोड़ा मुंह को ऑयली ऑयली कर देता है और लगता है एक परत जम गया है ऑयल का। तो जिन लोगों का ऑयली स्किन है ना, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ऑयली ऑयली फील होगा। तो मैं बोलूंगी आप एक माइल्ड वाला फेस वॉश से जरूर फेस धो लेना। और मैंने ये जो दो DIY होम रेमेडीज शेयर किया है, आपको लगातार 7 दिन यूज करना है, अदरवाइज विजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा। इंस्टेंट शायद आपको एक ग्लो दिखेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ना ये टैन रिमूव नहीं होगा। इस दो होम रेमेडीज में से आप कोई भी होम रेमेडीज यूज कर सकते हो, जो आपके स्किन के लिए जरूरत है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मैंने जो सारे इंग्रेडिएंट्स अभी तक यूज किया है, सब का बेनिफिट्स मैंने शेयर किया है, तो स्किन के नीड के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज
कर देना और शेयर भी कर देना। अगर आपकी कोई फ्रेंड ऐसे टैंस के वजह से प्रॉब्लम में है, उनको हेल्प हो जाएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को प्लीज दबा देना कि ऐसे एक्साइटिंग होम रेमेडीज, DIY, हेयर केयर, स्किन केयर एंड मेकअप वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए और उसके अपडेट आपके पास आते रहे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल।